नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं हम आपके साथ गोविंद राज। और इस वक्त हम गोड्डा के अशोक स्तंभ में मौजूद हैं। और आपको बता दें, यहाँ पर मनरेगा संघ के तमाम ये कर्मचारी हैं और आज इनसे मिलने के लिए आपको बता दें कि गोड्डा के विधायक अमित मंडल यहाँ पर पहुंचे हैं। इन लोगों का मांग है कि सेवा सत नियमावली में सुधार कर सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान का प्रावधान किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर के ये लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। इसी को लेकर आज अमित मंडल यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कहते हैं अमित मंडल और यहाँ के मनरेगा कर्मचारी, सुनिए। देखिए, हम लोग तो हर एक संघ के लोगों से मिल रहे हैं। मनरेगा संघ हो, पोषण सखी संघ हो, आपका आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, सहायक पुलिसकर्मी हो, प्रधान पारा टीचर हो, आज सारे के सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन सिर्फ इतने ही के लिए कर रहे हैं क्योंकि आपने 2019 में चुनाव जीता था, तो इस वादे के साथ जीता था कि सारे अस्थायी कर्मी को स्थायी कर देंगे। आज आप देखिए कि किसी अस्थायी कर्मी को स्थायी करने का सरकार ने काम नहीं किया। आज मनरेगा संघ के लोगों से जो बातें हुई उसके आधार पर मैं, जो उन्होंने मांग रखा है कि उनकी सबसे प्रमुख मांग है, जैसा मैंने कहा कि अस्थायी कर्मियों को स्थायी कर देना है, वैसे ही तमाम अस्थायी कर्मी को स्थायी करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने घोषणा पत्र में लाने के भी उसकी हम लोग सोच रहे हैं। और ये सरकार, जो सरकार कहती थी कि हम लोग 2019 में जैसे ही सत्ता में आएंगे 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, जैसे सत्ता में आएंगे स्थानीय नीति ले आएंगे, नियोजन नीति ले आएंगे, खतियानी नीति ले आएंगे, सरना कोड ले आएंगे, ओबीसी आरक्षण ले आएंगे, सारे अस्थायी कर्मी को स्थायी कर देंगे, 2000 जो है प्रति माह चूल्हा खर्च देंगे, 75,000 रुपये गरीबों को देंगे, 2000 रुपये पेंशन कर देंगे, आज ये सरकार की सारी घोषणाएँ धरातल पर नहीं दिख रही है। और इसी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम हम लोग निश्चित तौर पर आने वाले सदन में भी करेंगे। जो भी मांगे यहाँ पर उपस्थित कर्मियों ने बताई, क्योंकि ये लोग तो सरकारी कर्मी हैं तो ये तो सरकार के खिलाफ अभी नहीं जाएंगे, लेकिन जो मूड बन रहा है पूरे लोगों का, जो मूड बनता है तो निश्चित तौर पर ये मूड रिफ्लेक्ट होता है जब बैलेट का समय आता है, जब वोटिंग का समय आता है। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि सारे के सारे ऐसे लोग जो अपने आप को ठगा सा आज की डेट में झारखंड सरकार से महसूस कर रहे हैं, ये जवाब 2024 के चुनाव में देने वाले हैं। और इनकी आवाज़ को प्रमुखता के साथ सदन में रखने का काम अमित मंडल एक जनप्रतिनिधि होने के नाते करेगा। हमारा बहुत समस्या क्या है इनसे मतलब नहीं, हमारे एक सूत्रा मांग है, नियमावली संशोधन करते हुए मैं अस्थायी किया जाए और ग्रेड पे दिया जाए, यही एक सूत्री मांग है। कितने दिनों से मांग हम लोग 17 तारीख से अनिश्चितकालीन, हम लोग सांकेतिक हड़ताल में थे और 22 से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। आंदोलन हमारा अनवरत चल रहा है। इससे पहले हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेरे 2 तारीख को, उसके बाद 8 तारीख को जेएमएम कार्यालय घेरे, पद यात्रा भी हुआ, जिला में धरना हुआ, बहुत सारे आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं रही है। इससे पूर्व भी आश्वासन दिया है और अभी भी कुछ ठोस कदम नहीं उठा रही है, इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। और इस बार कोई आश्वासन पर हम लोग नहीं जाने वाले हैं। और आप लोग के पास पहुंचे थे, इनसे क्या बातचीत हुई, क्या हमारी समस्या? क्षेत्रीय विधायक है, उनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद कि वो आए, हमारे दुख दर्द को बांटे और बोले हैं सदन में हम आपकी आवाज़ को उठाएंगे और हमारी सरकार अगर आएगी तो हम आपको जो सुविधा देने का है हम देंगे, ये बोल के गए, हम उसको धन्यवाद करते हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकरम, जिला अध्यक्ष, सब प्रदेश उपाध्यक्ष, झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ।